साथ क्लियर कर दिया। इसमें 15 नंबर मसला, मुसाफिर क्या रोजा रख सकता है कि नहीं? मुसाफिर को अल्लाह ताला ने कुरान में इजाजत दे दी है कि वो रोजा छोड़ सकता है, लेकिन उसे मौखर करेगा बाद के दिनों के लिए, गिनती बाद में उसने पूरी करनी होगी। और अगर रखना चाहता है तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये एक आसानी है जो आप अवेल कर सकते हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे, एक शख्स के ऊपर लोगों ने साया किया हुआ था। आपने फरमाया इसे क्या हुआ? तो बताया गया कि इसने सफर में रोजा रखा हुआ है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे ने रोजा रख के इतने बंदों को मुशक्कत में डाला कि इतनी बड़ी छतरी उसके लिए उठाई हुई है। तो आपने फरमाया कि सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है, यानी इस तरह की नेकी कि वो दूसरे के गले में आपने डाल दी है कि वो बेचारे लेके छतरी खड़े हैं कि जी इसका रोजा, रोजा किधर, डिग ना पवे थले, ठीक है, उन्होंने थमी दी हुई है रोजे को। आप फरमाया रोजा रखना सफर में कोई नेकी का काम नहीं। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक सफर के दौरान कुछ साहबा ने रोजा रखा हुआ था, कुछ ने नहीं रखा हुआ था। जब गुरुबे आफ्ताब का वक्त करीब आया तो जो रोजेदार थे वो तो बेचारे निढाल होकर गिर गए, और जिन्होंने रोजा नहीं रखा था, अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाया हुआ था, उन्होंने उनके लिए खैमे लगाए, उनके लिए इफ्तारी का बंदोबस्त किया। और फिर नबी इस्लाम ने उसमें वर्डिक दी कि आज रोजा ना रखने वाले रोजा रखने वालों पर बाजी ले गए। जाहिर है उनके रोजे का सवाब भी उन्हें मिला ना, इफ्तार करवाया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, सहाबा इकराम कहते हैं कि जब हम नबी इस्लाम के साथ सफर में होते थे ना, तो बाद लोग रोजा रख लेते थे, बाद छोड़ देते थे। जिन्होंने रखा होता था वो ना रखे हुओं को कुछ नहीं कहते थे, और जिन्होंने नहीं रखा होता था वो रखने वालों को कुछ नहीं कहते थे, यानी उन्हें पता था ये ऑप्शनल है। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चाहो तो सफर में रोजा रख सकते हो, और चाहो तो अल्लाह ताला की इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकते हो कि रोजे को छोड़ दो, बाद में अपनी गिनती पूरी कर लो। अब इन चीजों की वजह से फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी लोगों में, वो फिर एक साहबी ने सही मुस्लिम में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह क्या सफर में रोजा रखना ये गुनाह का काम है? तो आपने फरमाया गुनाह का काम नहीं है, अल्लाह की तरफ से आसानी है, अगर तुम रोजा रखना चाहते हो तो रख लो, अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये कोई गुनाह नहीं है अगर कोई रख ले। हत्ता के सुनन नसाई में हदीस है, अम्मा आयशा सलामुल्लाही अलैहा कहती है कि एक सफर में मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज कसर पढ़ी और मैंने पूरी पढ़ी, नबी अलैहिस्सलाम ने रमजान का रोजा छोड़ दिया सफर में और मैंने रोजा रख लिया। बाद में मैंने हुजूर से जब जिक्र किया तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, आयशा तुमने बहुत अच्छा काम किया, और मुझ पे भी किसी चीज की मलामत नहीं है, यानी मैंने जो छोड़ा कोई गिरफ्त नहीं है, और जो तुमने रख लिया तुम्हारे ऊपर भी कोई गिरफ्त नहीं है। नमाज पूरी भी सफर में पढ़ सकते हैं आप और रोजा भी रख सकते हैं। आजकल तो मैं यही मशवरा दूंगा आप सब लोगों को, जो हमारा सफर आजकल इतना आसान हो चुका है, और अब तो खैर मौसम भी आंदा तकरीबन 15 साल तक तो इंशाल्लाह रोजे अच्छे मौसम में ही, अब गर्मी वाले रोजे तो अगले 15 साल तो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सफर में जो रोजा रख सकता है वो रोजा रख ले, क्योंकि बाद में गिनती पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रमजान में तो एक माहौल बना होता है तो आप रख लेते हैं। मैंने ऑलमोस्ट अपनी जॉब के दौरान 15 साल एक ऐसे रूट के ऊपर सफर किया है कि मेरे तो 8 रोजे सफर में होते थे, मंडे को जिस दिन मैं जाता था और जुम्मे को वापस आता था, ये 2 रोजे तो मेरे सफर के बनते थे एक हफ्ते के अंदर, महीने में 8 रोजे, लेकिन मैं रख लेता था क्योंकि बाद में भी तो मैंने ही रखने हैं, आसानी से रखे जा सकते हैं तो जरूर रख लें। लेकिन आसानी के बावजूद भी कोई अच्छे सफर में भी है, हवाई जहाज का भी सफर कर रहा है, आसानी बहरहाल बाकी है, नमाज भी वो कसर करना चाहता है कर ले, रोजा छोड़ना चाहता है छोड़ दे, लेकिन बाद में उसने वो रोजा रखना है, तो ये एक ऑप्शन मौजूद है, मैंने इस हवाले से इसे क्लियर कर दिया। मसला नंबर 16, मजदूर हजरात कैसे रोजा रखें, ये अक्सर लोग पूछते हैं। देखिए पठानों से तो मैंने एक चीज सीखी है, पठान लोग नमाज के मामले में भी बहुत सख्त है, आपको पता है, नहीं छोड़ते, रोजे भी रखते हैं, और रमजान के महीने में उमूमन वो रात के वक्त मजदूरी करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन के वक्त रोजा रख के मजदूरी कर सके, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो आपको अभी पब्लिक में मशहूर किया ना कि मजदूरों ने रोजे रखे, बड़े वाकयात भी सुनाते हैं, बड़े आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, एक बूढ़ा शख्स था रोजा रखा हुआ, ओ भाई अल्लाह से डर जाओ। ये कभी आप प्रैक्टिस करके देखना रोजा रख के मजदूरी, मजदूर 99.9% मजदूर रोजा कोई नहीं रखते, सवाए उनके जो रात को मजदूरी करते हैं, नहीं रोजा रखा जाता। इनका हाल ही है कि रात को मजदूरी करें दिन को रोजा रखें, और इससे बढ़कर गवर्नमेंट का काम है एटलीस्ट एक महीने के लिए तो उन्हें राशन डलवा दे कि वो तसल्ली से रोजा रख ले। और अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, जो कि नहीं कर रही होती, तो हमारा काम है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे गरीब लोगों को देखें जो मजदूर तबका है, और आपको पता है कि पूरा दिन दिहाड़ी लगा के ये शख्स पैरेलल में रोजा नहीं रख सकता और रोजा छोड़ देगा, तो भाई उसे आप एक महीने का राशन डलवा दें इस शर्त के ऊपर कि भाई अब तुमने मजदूरी नहीं करनी, घर में रहो तसल्ली से, रोजे रखो, एक महीने का खर्चा मैं तुम्हारा उठा लूंगा,
ताकि अपने दूसरे भाई की मदद करें, आपको सवाब अलग से होगा, अल्लाह के हुजूर एक बहुत बड़ी नेकी का काम, और एक गरीब बंदे के एतबार से भी आपने इनपुट दे दी, उसकी दुआएं भी आप लेंगे। तो मुझे तो ये सोल्यूशन नजर आता है। 17 नंबर, वो है स्टूडेंट्स का रोजा। उमूमन जिन स्टूडेंट्स के पेपर आने वाले होते हैं ना, तो वो रोजे छोड़ना शुरू कर देते हैं, रोजे भी नहीं रखते, पढ़ते भी कोई नहीं। स्टूडेंट्स का तो रात को पढ़ना होता है भाई, रात को कौन सा रोजा होता है? पेपर तो दिन के वक्त होता है, तैयारी रात को करनी होती है, तो रात को तो रोजा नहीं होता। तसल्ली से आप अपनी तैयारी करें, पेपर तो 3 घंटे के लिए, तो मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती है कि कोई शख्स स्टूडेंट है और वो पेपरों में रोजा छोड़ दे, कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि रोजा दिन के वक्त वो 3 घंटे ही आपने पेपर में गुजारने हैं ना। और जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं वो तो 3 घंटे में पेशाब भी रोक के बैठे होते हैं कि हमारे 5-10 मिनट जाया हो जाएंगे, हमारा पेपर मुकम्मल नहीं होगा, पानी भी नहीं कोई पीने का सोचता ही नहीं, वो पेपर से ही तवज्जो नहीं हटती है। लिहाजा ये कोई समझ नहीं आती जो लोग कहते नहीं हमें रोजा छोड़ना पड़ जाता है पेपरों की वजह से। लेकिन अगर कोई बहुत कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है तो वो फिर उसका और अल्लाह का मामला है, हम किसी को इस तरीके से फतवा नहीं दे सकते कि वो रोजा छोड़ दे। 18 नंबर मसला, कि मैयत की तरफ से या किसी बीमार शख्स की तरफ से कोई दूसरा रोजे रख सकता है? नहीं रख सकता भाई, बीमार की तरफ से आपने फिदिया देना होगा, जो कुरान में रिपोर्ट हुआ मिस्कीन को एक वक्त का खाना खिलाना। बीमारी के आलम में जो रोजे छूट जाए और खुदा ना खास्ता बाद में आपके करीबी रिलेटिव की डेथ होगी, तो वो डेथ से पहले जितने उसके रोजे थे उनका फिदिया देंगे। बाज करीबी रिश्तेदार कहते हैं चले हम रख लेंगे, वो कहते हैं बुखारी मुस्लिम में हदीस है, बिल्कुल हदीस मौजूद है, लेकिन उस हदीस का फॉर्म ये नहीं है। वो बुखारी मुस्लिम में जो अहदीस है वो उन रोजों से मुतालिक है जो मन्नत के रोजे हैं। वो नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर किसी के जिम्मे मन्नत के रोजे हैं ना, तो उसका करीबी रिश्तेदार उन रोजों को रखे ताकि वो मन्नत पूरी करे। वो सिर्फ रोजे नहीं है, मन्नत का उमरा है, नजर व न्याज है, हज है, वो करीबी रिश्तेदार को चाहिए उसकी तरफ से अदा करे। लेकिन जो फर्ज रोजे हैं उनके बारे में हुक्म नहीं, उनके लिए फिदिया दे लेना काफी है। 19 नंबर मसला, सहरी की दुआ जो अक्सर आप टीवी चैनल्स के ऊपर सुनते हैं, अभी सौमी गदिन नवई तुम इंशाहरी रमादान, ये उलमाए इकराम की खिदमत है उम्मत के लिए, कुरान और सुन्नत में कहीं ये दुआ रिपोर्ट नहीं हुई। नीयत काफी है, रोजा रखने की कोई दुआ नहीं है, सिर्फ नीयत है, और वो तो जनरल है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। तो नीयत तो रात को हमारी हो जाती है, ये नहीं है कि आपने सुबह एग्जैक्ट उसी वक्त अपने दिल में कोई नीयत को हाजिर करना, वो नीयत तो है। हाँ बाज़ औक़ात एक डबल जहन में आ जाती है बात, मैं रखू ना रखू, कल मैंने सफर पे जाना है, या इस तरह का कोई इशू मेरे साथ बन सकता है, तो वो अबू दाऊद में फिर हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसने तुलुए फजर से पहले रोजे की नीयत कर ली उसका रोजा दुरुस्त है। यानी वो फिर आपने नीयत फजर का वक्त दाखिल होने से पहले, यानी खत्मे सेरी से पहले करनी हो, फर्ज रोजे की नीयत। नफली रोजे की नीयत आप जब मर्जी चाहे कर सकते हैं, वो बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम घर तशरीफ लाते थे, उम्मातुल मोमिनीन कहती है कि पूछते थे नाश्ते के लिए कुछ है, हम कहती थी कि नाश्ते के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप जरा जिंदगी के फकर का लेवल देखें। फिर हुजूर कहते थे ठीक है फिर आज हम रोजा रख लेते हैं, उसके लिए फिर शर्त है कि आपने खत्मे सेरी से उस वक्त तक कुछ खाया ना हो। और उम्मातुल मोमिनीन कहती है अगर कुछ खाने के लिए होता तो हम हुजूर को पेश करते, तो फिर आप इफ्तार फरमा लेते, यानी नाश्ता कर लेते, नाश्ते को भी आप ब्रेकफास्ट कहते हैं ना, रोजा तोड़ना। इफ्तार सिर्फ ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त नहीं होता, दिन के वक्त भी अगर कोई रोजे को खोले उसे इफ्तार ही कहा जाता है। तो नफली रोजा उसकी नीयत आप फजर के बाद भी कर सकते हैं, सूर्य निकलने के बाद भी कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ खाया पिया ना हो उस दौरान। लेकिन फर्ज रोजे की नीयत आपने तुलुए फजर से पहले पहले कर लेनी है, वो मैंने अबू दाऊद की हदीस आपको बता दी। मसला नंबर 20, इफ्तार की क्या दुआ है? इफ्तार की दुआ जो उमूमन पब्लिक में मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमनतु, ये वाली दुआ जो है सुन्न अबी दाऊद में आई है, लेकिन इमाम अबू दाऊद ने साथ लिखा, यह मुरसल रवायत है, इसकी सनद मुकम्मल नबी इस्लाम तक नहीं जाती। लेकिन जिस दुआ की सनद नबी इस्लाम तक जाती है वो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रवायत की है, वो भी सुन्न नबी दाऊद के अंदर है। ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, प्यास चली गई, रगे तर हो गई, और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया इंशाअल्लाह। ये उसका तर्जुमा है, ये तर्जुमा ही बता रहा है कि ये दुआ आपने इफ्तार करने के बाद मांगनी है। वैसे वो वक्त दुआओं की कबूलियत क्या है, वो सुन्न इब्ने माजा में हदीस मौजूद है कि इफ्तार का जो वक्त है वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है, वो आप दुआएं जरूर करें, लेकिन जो इफ्तार की अपनी दुआ है ना, वो आपने इफ्तार करने के बाद, उसमें भी पानी पीने के बाद, क्योंकि उसमें अल्फाज है रगे तर हो गई, प्यास चली गई, रगे तर हो गई, और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया, तो आपने उस वक्त वो दुआ करनी है। मसला नंबर 21, क्या रोजे में ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। उसकी वजह यह कि आप जिस्म में तो कोई चीज परमानेंटली दाखिल नहीं कर रहे,
बल्कि जिस्म से निकाल रहे हैं, उस सिरिंज के जरिए, उनको खाने की चीज नहीं होती, सिरिंज दाखिल करके उससे खून निकाला जाता है। लिहाजा ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसकी असल वो हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम की हालत में भी और रोजे की हालत में भी हिजामा करवाया, कपिंग करवाई, और कपिंग में खून निकाला जाता है। बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर जो है वो शुरू में तो कपिंग करवाया करते थे रोजे की हालत में, लेकिन बाद में फिर वो रात के वक्त कपिंग करवाते थे, छोड़ दिया था। और उसकी रीजन फिर बुखारी और मुस्लिम में ही अनस इब्ने मालिक से जब पूछा गया कि क्या रोजे की हालत में हिजामा करवाना गुनाह है, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ कमजोरी की वजह से मना किया जाता है कि कोई शख्स इतना कमजोर ना हो जाए कि उसे रोजा खोलना पड़े, तो इसलिए, अदरवाइज अगर कोई रोजा उसके खुलने का मसला नहीं है तो वो करवा सकता है। तो ब्लड टेस्ट में तो इतना सा खून निकलता है, उससे तो कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन अगर ब्लड डोनेट आप करें तो उसमें चांस होते हैं कि रोजे की हालत में अगर आपने ब्लड दिया तो इंसान बाज़ूकात कमजोरी की वजह से बेहोश भी हो जाता है, तो वो अगर मजबूरन किसी को देना पड़े तो वो एक रोजा यानी तोड़ दे, इफ्तार कर ले उसी वक्त, और बाद में एक रोजे की कजा दे दे। मसला नंबर 22, क्या रोजे के दौरान पेस्ट किया जा सकता है, टूथपेस्ट? वो बुखारी में मौजूद है, तालीकन इमाम बुखारी लेकर आए। अच्छा, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में 1930 से लेकर 1938 तक ये मुसलसल 9 अहादीस रमजान के मसाइल के ऊपर लिए, और उन अहादीस के चैप्टर्स की बकायदा जो हेडिंग्स है ना, उनमें काफी सारे मसाइल तरतीब से लिख दिए हैं, लेकिन वो तालीकन रवायतें हैं, उनकी इसनाद बयान नहीं हुई हुई है। उनकी इसनाद जो है वो अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर मौजूद है। उनमें से एक ये भी है कि एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को रोजे की हालत में इतनी दफा मिसवाक करते हुए देखा है कि मैं उसे शुमार भी नहीं कर सकता। यानी रोजे की हालत में भी कोई शख्स मिसवाक कर सकता है, और जाहिर है मिसवाक का भी अपना जायका होता है, ये नहीं है कि मिसवाक का जायका नहीं होता, तो कुछ ब्रश भी आप कर सकते हैं, उससे रोजा नहीं टूटेगा। वो जो जायका मुंह में आए वो आपने थूक देना है, वो अलग से नीचे ना लेके जाए तो रोजा कोई नहीं टूटेगा। और बेहतर यह है कि आप खत्मे सेहरी से पहले पहले कर लें, कुछ ब्रश किसी ने करना है उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, बाद में भी करें तब भी रोजा नहीं टूटेगा। मसला नंबर 23 वो है रोजे के दौरान टीका या ड्रिप लगवाना। अब इसमें उलमा की दो आरा है, एक तरफ वो उलमा है जो ये कहते हैं कि जी अगर आपने टीका गोश्त में लगवाया तो कोई मसला नहीं है, अलबत्ता अगर आपने वेन के अंदर लगवाया तो टूट जाएगा, और ड्रिप तो जहर है लगती वेन के अंदर है। हमारा इसमें मौकिफ यह है कि दोनों सूरतों में आपको रोजे की हालत में यह काम नहीं करना चाहिए, इफ्तार के बाद करें, क्योंकि सही बुखारी में ही तालीकन है जो मैंने बताया, वो इकट्ठे मसाइल इमाम बुखारी ने लिखे हैं। उनमें अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का एक कॉल है कि जिस्म में कोई चीज दाखिल करने से रोजा टूटता है, जिस्म से कोई चीज निकले उससे रोजा नहीं टूटता। तो इसमें देखें कितने मसाइल साबित हो गए कि खून निकलने से रोजा नहीं टूटेगा, आंसुओं से नहीं टूटेगा, इसी तरीके से जिस्म में कोई चीज दाखिल की, खा वो खा के दाखिल की, या इस तरीके से जिस्म में, अब देखें जून जुलाई के रोजों में अगर कोई शख्स ड्रिप लगवा ले तो उसे प्यास ही नहीं लगेगी, जाहिर है वो पानी की कमी तो खुद बहुत पूरी हो जाएगी। लिहाजा जो वेन वाला मसला है वो तो क्लियर है कि उसमें तो रोजा टूट गया, अब रह गया गोश्त में टीका लगवाना, तो इसमें भी एहतियात वाला पहलू यही है कि आपको टीका उस दौरान लगवाने की जरूरत नहीं, और अगर मर्ज इतना बढ़ गया आपको टीका लगवाना पड़ गया तो ठीक है, वो तो मरीज तो वैसे ही रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में रोजा रख ले। बेहतर यह है कि आप इस रोजे को फिर इफ्तार ही कर लें और उसकी जगह एक रोजे की कजा बाद में दे लें। मसला नंबर 24, क्या रोजे के दौरान हिजामा यानी कपिंग करवाई जा सकती है? तो वो हम पहले डिस्कस कर चुका ब्लड टेस्ट वाले केस में कि बुखारी मुस्लिम है कि नबी इस्लाम ने कपिंग करवाई है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने उमर बाद में दिन के वक्त नहीं करवाते थे, रात को करवाते थे, वो भी बुखारी मुस्लिम में आया और सही बुखारी में यहां तक आया। जब अनस इब्ने मालिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कमजोरी की वजह से ऐसा है कि आप दिन के वक्त कपिंग ना करवाएं, कहीं ब्लड निकलने से कमजोरी ना हो जाए, रोजा इफ्तार करना पड़ जाए, अदरवाइज गुनाह कोई नहीं है इसमें। 25 नंबर मसला, रोजे के दौरान इनहेलर का इस्तेमाल करना। जो अमूमन जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है ना तो वो इनहेलर यूज करते हैं। अब जाहिर है अगर इसकी आम इजाजत दी जाए तो फिर तो ये सिगरेट पीने वाले भी सूटे लगाएंगे अपने, तो इनहेलर में जाहिर है दवाई भी अंदर जा रही है, अलग से नीचे ही उतर रही है, सिर्फ ऑक्सीजन वाला मामला नहीं होता। इसमें अगर कोई परमानेंटली कोई मरीज है जिसे रोजाना यूज करना पड़ता है उसके लिए तो कोई इज्तिहादन कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है, बाकी कभी कभार अगर किसी को ऐसा मसला होता है तो ठीक है वो फिर एक रोजे की कजा दे ले, और अगर फिर भी वो रोजा कंटिन्यू करना चाहता है